अभी हम लोग अपनी चढ़ाई शुरू करने लगे हैं। ये है गेतोर पैलेस, रॉयल गेतोर पैलेस। तो ये एंट्री है अभी है आप। So this is entry. देखो गटोर की छतरी। सीधे रोड है, बीच में चलेंगे आप सीधे, फिर लेफ्ट टर्न हो रहा है, लेफ्ट टर्न हो गया, फिर लेफ्ट से फिर किधर ही नहीं मुड़ना है, सीधा वो जल रोड मिल जाएगा, जल महल पे से थोड़ा इधर निकलेगा पहले, फिर आप मुंह में मुगर जाना लेफ्ट हैंड, फिर वहीं से नार मिल जाएगा। इसका खासियत बता दो। हाँ जी, खासियत बता दो इसकी। राजाओं का वो है समाधि स्थल, समाधि दाह संस्कार के उपरांत जहाँ उनका दाह संस्कार होता था जिस जगह पे, उनकी मेमोरी के लिए ये बनाते हैं। अच्छा, ये कितने उसमें, इतना सा है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये है, उसके पीछे सेकंड, उसके पीछे थर्ड। अच्छा, ये थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये। और पूरा अगर समझना चाहो तो इनको ले जाओ। आप दे सकते हो आपके तीन पार्ट अंदर ही घूमने से पहले ठीक है। तो फिर बनाते हैं आपके राजा मानसिंह जी की। ठीक है, ये वाला राजा मानसिंह का जी, ये है मानसिंह जी सेकंड, जो पोलो के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अच्छा, उनके ये घोड़े के निशान भी दे रखे, उनको जो घोड़ा था और उनको जो चक्र मिला था मेरा। अच्छा, वो भी दे रखा है इसमें। ये है आपके ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की, ब्रिगेडियर भवानी सिंह का ये वाला। ये अभी 2011 के अंदर शांत हुए थे, 2011 में। अच्छा, ये अभी 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 2011 में मेडल है। ये आर्मी में थे, ये इनके मेडल जिनको मिले थे। देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं ना, फोटो ले सकते हैं। ये अपनी बटालियन को खुद ही चलाते थे अपने खर्चे से, पूरी बटालियन का खर्चा ये अपने आप खुद ही उठाते थे। ये सर इनके मेडल जो इनको मिले हैं बहादुरी के। अच्छा, ये मेडल्स, ये मेडल है। सिस्टर आप जो ऊपर पहाड़ी देख रहे हैं, ये है गणेश टेंपल, गणेश मंदिर। तो जयपुर की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले गणेश जी को बैठाया गया था ऊपर। अच्छा, ये बाहर से इसकी सीढ़ियां जा रही है, कितना दूर है ये गणेश मंदिर है जो दिख रहा है पहाड़ियों में। 365 सीढ़ियां इसकी। आप सीढ़ी से जैसे जाएंगे तो यहाँ पे है ना, ये कच्चे रास्ते में आप इधर से भी जा सकते हैं। सीढ़ियाँ क्या खड़ी है, ओके, 365 पेड़ दुख जाते हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। काफ़ी लोग जाते हैं। हाँ, काफ़ी लोग जाते हैं ना, अभी चालू हो जाएंगे 4 बजे बाद। अच्छा, 5 बजे मंदिर खुल जाता है। ये जो गणेश जी हैं ये आपके हैं बाजू। ये थर्ड पार्ट था, ये जो है ये फर्स्ट पार्ट था छतरानी का। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये तो महाराजा ब्रिगेडियर कोई थे तो उनका था, समाधि थी ये वाली जो मैंने आपको बताया, मेडल मेडल थे। अब ये आएगा सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट किसका है? आज भी उनके पैरों के निशान है। आप जैसे नारगढ़ जाएंगे तो ये बीच रास्ते में पड़ता है, यहाँ से 1 किलोमीटर बाद फिर नारगढ़ किला आ जाएगा। नारगढ़ इस तरफ है, इस तरफ है, उस तरफ, उस तरफ है, उस तरफ नारगढ़ है। देखा
कौन से मंदिर में? यहाँ निकलते रहते हैं। ये नाग मंदिर है, ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर ये शिव मंदिर है। और हनुमान जी है, ये है माधो सिंह जी के 14 बच्चे। अच्छा, ये अच्छा 13 तो हैं बेटे और बीच में है उनकी बेटी की, जो ये बचपन में ही शांत हो गए थे। ये समाधि है। अच्छी किसी बीमारी की वजह से बचपन में ख़त्म हो गए थे, इनको यहाँ दफनाया गया। बच्चों को जलाती नहीं है, बच्चों को दफना देती है। तो ये इतने बच्चे, 14 बच्चे हैं? 14 बच्चे एक साथ ही ओ क्या शाम। हाँ बाबा, यहाँ पे 14 बच्चे महाराजा जी के खत्म हो गए थे तो उनको दफनाया गया है। यहाँ पे 14 बच्चे एक साथ ही, तो नॉर्मल बात है। तो पीछे बंदर पड़ा मरा हुआ। तो अब आगे जा काम ही खाना है। आइए तीसरा लेकिन अब कर दो, मैं चलती हूँ। सॉरी, तुम बोल देना फिर। ये है सर आपके राजा जय सिंह जी की, जिन्होंने आज से 300 साल पहले जयपुर की स्थापना की। पहले राजा। ये है आपके सूर्य प्रताप सिंह जी, जिन्होंने जलमहल और हवा महल बनाया, उनके समाधि में जी। आपके पीछे है उदय सिंह जी की, जिन्होंने जयपुर को पिंक कलर कराया, पिंक सिटी। आइए सर। माधो सिंह जी की जो 14 बच्चे शांत हो गए थे, उसके बाद में उनके 2 बेटे हुए। अच्छा, ये है जगत सिंह जी की रेडवाली, और वो है पृथ्वी सिंह जी, इनके 2 बच्चे जो बाद में हुए थे। अच्छा, सबकी समाधि बनती थी हैं? जी सर, जैसे जैसे शांत होते गए सबकी समाधियाँ बनती थी। ये पीछे वाली आपके माधो सिंह जी की। अच्छा, जिनकी नौरानियाँ थी। नौरानियाँ वालों की जी, ये उनकी है माधो सिंह जी की। इनका वेट था सिस्टर 250 kg। 250 kg इनका वजन था, 7 फीट ऊँचे लंबे थे, 4 फीट चौड़ा सीना था, 110 चपाती एक बार में लेते थे, 5 किलो मिल्क, बाकी वेजिटेबल एक्स्ट्रा में। काफ़ी याद के थे ये सारी कला हाथ से बनाई गई है। ये देखो, फोटो दिखाते हैं सिस्टर। ये लीजिए, यहाँ एक फोटो है, इसको देख के आप बताइए कि इसमें राजा कौन और रानी कौन। सब जूते खोल के ऐसे बैठ के देखना। हाँ, बैठ के देखेंगे, गौर से देखते हो। ये रानी है उस तरफ, राजा सर इस तरफ जो है, आपकी तरफ जो है वो है राजा जी, माधो सिंह जी। अच्छा, ये वाइन पी रहे हैं, इनके हाथ में देखिए। हाँ, उस तरफ इनकी रानी है कभी, जो संगीत का काफ़ी शौक है इनको, ये इनको संगीत सुना रही है। अच्छा, कानों में दोनों ने पैर रखा है, पगड़ी दोनों के लगी हुई है। पहले के राजा इस तरह से पगड़ी लगाते थे, रानी इस तरह से लगाती थी। अच्छा, तो पहले के राजा भी कान में, नाक में, हाथों में, पैरों में, सब जगह पहनते थे। जैसे लेडीजें पहनती, लेडीजों की चूड़ी हो जाती है, इनके कड़े हो जाते हैं।